Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं DSC 4 14 to 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री का दो पोम्स करेंगे आज. सोनेट 1 जिसको लिखा है फिलिप सिडनी ने और पैशनेट मेंस पिलग्रिमेज जिसको लिखा है सर वॉल्टर रेलेग ने. इन दोनों पोम्स के हम थीम्स देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डीएससी 4 की प्लेलिस्ट का. सो आइए शुरू करते हैं सोनेट 1 की थीम्स के साथ. तो इसकी पहली थीम है लव. सर फिलिप सिडनी की जो पोम है सोनेट 1 एस्ट्रोफेलन स्टेला से, इसकी मेन थीम है लव. इस पूरी पोम के अंदर जो हमारा पोएट स्पीकर है वो अपना लव दिखाना चाहता है पेनीलोपी जो उसकी बिलव्ड है उसको. इस पोम के अंदर यहाँ पे पोएट अपने आप को एस्ट्रोफेल कह रहे हैं यानी स्टार लवर, और अपनी बिलव्ड पेनीलोपी को वो स्टेला कह रहे हैं यानी स्टार. उनसे जो हो पाया उन्होंने वो सब चीजें की पेनीलोपी का प्यार हासिल करने के लिए. उन्होंने पोम लिखने की कोशिश की और बाकी सारे राइटर्स की पोम्स को भी देखा और भी बहुत कुछ किया. अब नेक्स्ट थीम है जेन्युइननेस ऑफ आर्ट. सिडनी पोम के अंदर थीम ऑफ जेन्युइननेस भी दिखा, जेन्युइननेस ऑफ पोएट्री भी दिखाते हैं. यहाँ पे स्पीकर ट्राई कर रहा है कि वो अपना लव एक्सप्रेस कर सके अपनी मिस्ट्रेस की तरफ, लेकिन उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए और अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए. वो बहुत ज्यादा लव में है अपने बिलव्ड के एंड उनको पेन भी हो रहा है इस चीज का क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल पा रहा है अपने बिलव्ड से. फाइनली उनको रियलाइज होता है कि पोएट्री हमारे अंदर से आती है, हमारे माइंड से आती है, ना कि दूसरों के क्रिएटिव वर्क को चुरा के या उनके वर्ड्स यूज करके. तो अगर वो खुद से लिखेंगे तो शायद वो अट्रैक्ट हो जाए इनके बिलव्ड. अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं सोनेट 1 के. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बीच में हमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बताना है. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पैरा देंगे कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एक सोनेट सीक्वेंस है जिसको लिखा है सर फिलिप सिडनी ने 16 सेंचुरी के अंदर. ये एक स्टोरी बताता है एस्ट्रोफेल के बारे में जिसका मतलब होता है स्टार लवर. यहाँ पे पोएट अपने आप को एस्ट्रोफेल कह रहे हैं और अपनी बिलव्ड को स्टेला कह रहे हैं, मतलब स्टार जो कि उनकी बिलव्ड है पेनीलोपी. जो पूरा सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में वो पूरा रिवॉल्व कर रहा है एस्ट्रोफेल के लव के अराउंड. अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम अलग अलग एस्पेक्ट से देखेंगे. तो पहला है अनअटेनेबल लव. तो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही है कि स्टेला पहले से शादीशुदा है एक दूसरे मैन के साथ जिसका नाम है लॉर्ड रिच. इसी वजह से जो एस्ट्रोफेल है वो अपना रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं कर सकता स्टेला के साथ और उसको पा नहीं सकता. सेकंड है सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स. उस टाइम के कुछ सोसाइटी के रूल्स हुआ करते थे कि अगर कोई वुमेन पहले से मैरिड है तो कोई भी अगर कोई दूसरा मैन उसको छू भी ले तो वो बहुत ही बेकार चीज मानी जाती थी उस टाइम पे. तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है इनके लव के बीच में. तीसरा पॉइंट स्टेलाज रेजिस्टेंस. तो स्टेला को पता है एस्ट्रोफेल की फीलिंग्स के बारे में लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉयल है अपने हस्बैंड लॉर्ड रिच के साथ, इसीलिए वो एस्ट्रोफेल की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसकी वजह से और मैटर कॉम्प्लिकेट हो जाता है. तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ इनके बीच में. दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पोएटिक सब्जेक्टिविटी इन सोनेट 1. सोनेट 1 ओपनिंग सोनेट है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला का. इस सोनेट के अंदर हमें बहुत सारी थीम्स इमोशंस देखने को मिलते हैं और ये सोनेट फोकस करता है पोएटिक सब्जेक्टिविटी के ऊपर क्योंकि जो स्पीकर है एस्ट्रोफेल जो कि अपने आप को सिडनी मतलब खुद है सिडनी फिलिप सिडनी, वो अपने खुद की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिखा रहे हैं. सोनेट के बिगनिंग में एस्ट्रोफेल अपने डिजायर के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने लव के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, स्पेशली मतलब वो अपनी फीलिंग लिखना चाहते हैं स्टेला के लिए. तो इसके लिए वो बाकी सारे पोएट्स की राइटिंग्स को पढ़ते हैं जिन्होंने भी लव के बारे में इससे पहले लिखा होता है और उनके एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा है
उससे फिर रिलेटेड वो कुछ लिखें, बट फिर बाद में वो कहते हैं कि खुद के एक्सपीरियंस से हमें लिखना चाहिए। और उन्होंने एक लाइन लिखी है शुरुआत में, लविंग इन ट्रूथ एंड पेन इन वर्ड्स माई लव टू शो दैट शी डियर शी माई टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन। तो इन लाइन्स का ये मतलब है कि एस्ट्रोफेल अपना लव को एक्सप्रेस करना चाहता है पोएट्री के थ्रू, और अपने इमोशंस को दिखाना चाहता है कि उसके इमोशंस बिल्कुल जेन्युइन है उसकी बिलव के लिए, और वो इस तरीके से अपने लव दिखाना चाहता है स्टेला को, ताकि स्टेला को प्लेजर मिले उसके पेन में। जैसे जैसे सोनेट आगे प्रोग्रेस करता है, एस्ट्रोफेल ये भी कहता है कि पोएट्री के थ्रू ही वो अपने इमोशन की गहराइयों को समझा सकता है स्टेला को। फिर कुछ और लाइंस थी, इवन सो पुअर सोल आई टर्न माई आई टू थी, थस हम्बल थस इम्प्लोरिंग माई हर्ट माई आई माई ऑल टू थी माई सेल्वेज गिव। तो इन लाइंस का ये मतलब है कि एस्ट्रोफेल जो है अपनी पोएट्री को देखते हैं कि पोएट्री के थ्रू वो अपनी सोल अपना दिल सब कुछ दे देंगे स्टेला को, और स्टेला की आंखों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे और अपनी सभी फीलिंग्स को और डिजायर्स को एक्सप्रेस कर देंगे पोएट्री के थ्रू। तो ओवरऑल ये इस पूरी पोएम के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस तरीके से जो कि काफी डिफरेंट हो और अलग हो सभी लोगों से, और वो पोइट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन सोनेट वन। तो पोएट ने अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक्सप्रेस किया सोनेट वन के अंदर। तो उन्होंने कुछ लाइंस का इस्तेमाल करके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया। तो पहली लाइन ये है, इस इन लाइंस के अंदर ये जो वर्ड्स हैं लविंग पेन लव पेन, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये पोएट के इंटेंस इमोशन को दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो अपनी पोएट्री के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वो अपना लव दिखाना चाहते हैं अपना लव रिवील करना चाहते हैं चाहे उनको कितना भी पेन हो। और यही सजेस्ट करता है कि वो कितना इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। और भी कुछ लाइंस है जिनके अंदर उनका इंटरनल स्ट्रगल दिखता है। तो इन लाइंस के अंदर एस्ट्रोफेल रिकॉग्नाइज करते हैं कि लव जो है वो इससे पहले काफी सारे पोएट्स का सब्जेक्ट रह चुका है, तो उन्होंने बाकी सारे लोगों के पोइट्री को पढ़ा और उसमें से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको कुछ यूनिक लिखना चाहिए और मीनिंगफुल लिखना चाहिए अपनी पोइट्री के अंदर, ताकि वो दूसरों से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सके। अब कुछ और लाइन्स है जिनके अंदर उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। तो इन लाइन्स के अंदर ये मतलब है कि इन लाइंस के अंदर एस्ट्रोफेल डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं स्टेला को और अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पूरे उनके हो चुके हैं। ये जो वर्ड्स है जैसे पुअर सोल हम्बल इम्प्लोरिंग, ये सब रिफ्लेक्ट करता है उनके इंटरनल स्ट्रगल को। अगर एग्जाम में डायरेक्टली भी क्वेश्चन ना आए तो आपको कुछ लाइंस दे दी जाएंगी पोएम की और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो उसके लिए ये आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा। अब हम नेक्स्ट पोम पढ़ते हैं, द पैशनेट मैंस पिलग्रिमेज। इसकी थीम्स देखते हैं पहले। तो पहली थीम है लाइफ जर्नी एंड पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे हमारे पोएट जो है वो लाइफ को एक पिलग्रिमेज से कंपेयर कर रहे हैं और सोल की जर्नी बता रहे हैं। वो इस पोम के थ्रू ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मीनिंग के बारे में और पर्पस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो थीम है पिलग्रिमेज की, ये एक आइडिया देती है कि लाइफ जो है एक कंटिन्यूस जर्नी है खुद को डिस्कवर करने की, आगे बढ़ने की एंड रिफ्लेक्शन की। सेकेंड थीम है ह्यूमन फ्रेलिटी एंड मोरालिटी। तो यहाँ पे ह्यूमन फ्रेलिटी का मतलब है कि डेथ जो है अनप्रिडिक्टेबल है, डेथ कभी भी आ सकती है। ये पोम फ्लीटिंग नेचर के बारे में बताती है, वर्ल्डली प्लेजर्स के, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता लगता है। और इस पोम के अंदर हमें मोरालिटी और डिजायर की भी थीम देखने को मिलती है। और ये मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं कि जितने टाइम के लिए भी हम अर्थ पे हैं उसको हमें अच्छे से जीना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। नेक्स्ट थीम है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एग्जामिनेशन। इस पूरी पोम के दौरान जो स्पीकर हैं वो खुद के एक्सपीरियंस एक्शंस और इमोशन को दिखा रहे हैं,
और ये पोम एक्सप्लोर करती है एक जर्नी के बारे में, खुद को सेल्फ एग्जामिन करने की जर्नी, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट खुद के मोटिवेशन, डिजायर एंड फ्लॉज को एग्जामिन करता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। और ये पोम हाईलाइट करती है कि खुद की लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन कितना जरूरी है, खुद को समझना कितना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम द पैशनेट मेन्स पिलग्रिमेज। तो पैशनेट मेन्स पिलग्रिमेज एक पोम है जिसको लिखा है सर वॉल्टर रेलैग ने, और ये एक ऐसी पोम है जो कि ह्यूमन सोल की जर्नी के बारे में दिखाती है और क्या मीनिंग और पर्पस है हमारी लाइफ का उसके बारे में बताती है। साथ ही साथ ये पोएट के एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस, थॉट एंड इमोशन को भी रिफ्लेक्ट करती है। इस पोम के अंदर 6 स्ट्रेंजाज हैं, हर एक स्ट्रेंजा में 6 लाइन्स हैं और एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम भी है। इसके अंदर पोएट हमें खुद को एग्जामिन करने के लिए कह रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कह रहे हैं। इस पोम के थ्रू हम रेलैग के लाइफ के बारे में भी जानते हैं कि रेलैग काफी प्रोमिनेंट फिगर हैं एलिजाबेथन एरा के टाइम के, और ये सोल्जर भी रहे हैं, कर्टियर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं, और ये क्वीन एलिजाबेथ 1 की सर्विस में भी रहे हैं, उनके कोर्ट में उन्होंने काम किया है, इन्होंने काफी जगह ट्रैवल किया है न्यू वर्ल्ड जैसी जगहों में। ये जो पोएम है पैशनेट मेन्स पिलग्रिमेज, ये रेलेक के इनर थॉट्स को दिखाती है, उसके पर्सनल और पॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बताती है। इसके अंदर कुछ ऐसी थीम्स भी देखने को मिलती है हमें, जैसे ह्यूमन मोरालिटी, फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, डेथ कभी भी आ सकती है, स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस और ये सब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बाउल ऑफ ब्लिस एंड वाइट पामर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं जिसमें हमें लाइंस दे दी जाती हैं पोम की और हमें कुछ मतलब उसके बारे में बताना होता है या फिर कोई वर्ड पर्टिकुलर उसके बारे में हमें समझाना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बाउल ऑफ ब्लिस के बारे में बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो बाउल ऑफ ब्लिस को यहाँ रिप्रेजेंट किया है हैप्पीनेस को दिखाने के लिए। ये सिंबलाइज कर रहा है कि पोएट को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पिलग्रिमेज के अंदर। और स्पीकर ये भी कहते हैं कि बाउल ऑफ ब्लिस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आम लोगों को भी मिल जाए, ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही मिलती है जो कि एटर्नल प्लेजर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें व्हाइट पामर के बारे में बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो व्हाइट पामर मतलब, सबसे पहले पामर मतलब क्या होता है, पिलग्रिम का ही दूसरा शब्द होता है पामर, और ये मतलब पर्टिकुलरली उनके लिए यूज किया जाता है जो कि एक जर्नी से आए हैं टू होली लैंड। और ये जो व्हाइट पामर है इसको मेटाफोरिकली यूज किया गया है पैशनेट मैन के वेयरिनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो कलर है व्हाइट, ये सिंबलाइज करता है प्योरिटी एंड इनोसेंस को, जो कि ये बताता है कि जिन लोगों के इंटेंशंस बहुत ही नोबल है, उनकी डिजायर्स बहुत ही नोबल है, वो किसी लालच की वजह से पिलग्रिमेज नहीं जाना चाहते, तो उन्हीं लोगों के लिए टर्म यूज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्रीशियस जेम्स एंड इल्यूजन टू। तो इन लाइंस के अंदर ये जो स्पीकर है वो अर्थली रिचेस की सुपरफिशियलिटी को दिखाता है और मटेरियल पोजेशन की फ्लीटिंग नेचर को दिखाता है। ये जो वर्ड है डायमंड, यहाँ जो है डायमंड, ये सिंबलाइज करता है प्रीशियस जेम, और डायमंड की काफी वैल्यू है सोसाइटी के अंदर उसकी ब्रिलियंस, उसकी चमक की वजह से। तो स्पीकर यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो ट्रू वर्थ एंड वैल्यू लाई करती है सेल्फ रिफ्लेक्शन में और खुद की स्पिरिट प्योर होने में, ना कि किसी मटेरियल वेल्थ में। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है जो है उसको कभी भी मटेरियल पोजेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि हमें खुद के सिंस को, हमें खुद के पापों को और नेगेटिव एक्शंस को क्लीन करते रहना चाहिए और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहना चाहिए अपने अंदर। फिर ऊपर वाली लाइन में दो वर्ड और थे, व्हाइट वूलन फ्लावर्स, यहाँ पे व्हाइट वूलन फ्लावर्स।
व्हाइट वुल को यूज किया गया है प्योरिटी को सिंबलाइज करने के लिए, और फ्लावर्स को यूज किया गया है वर्ल्डली ब्यूटी को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे भी डिस्टिंक्शन देते हैं वो मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में। तो कंक्लूडिंग पैरा में हम यही लिख सकते हैं कि प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस जेम से रिलैक का यही मतलब था कि वो मटेरियल वेल्थ को प्रेफर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सोल को प्योरीफाई रखना चाहिए, और कोई भी अगर हमने सिन किए हैं तो उसको हमें क्लीन करते रहना चाहिए थ्रू आउट अवर लाइफ। सो यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ तक आई गए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।